एंड वेलकम वंस अगेन। सो आज हम जा रहे हैं पेट्रोस साइंस, ये है KLCC ट्विन टावर में और ये फोर्थ लेवल पे है और यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पेस, डायनासोर्स एंड बहुत अदर थिंग्स आप एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही आप लिफ्ट के ज़रिए फोर्थ लेवल पर पहुँचते हैं तो पेट्रो साइंस की एंट्रेंस आपके सामने आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू बाय द टिकट्स एंड आफ्टर दैट यू कैन चूज द एरिया टू स्टार्ट विथ। सो हमने अपनी पेट्रो साइंस की जर्नी स्टार्ट की एनर्जी कैप्सूल से। ये एक नया ऐड ऑन है पेट्रो साइंस में। इसमें आपको एक छोटे से कैप्सूल में या एक बग्गी में बिठाते हैं तो दे विल शो यू ऑल द एनर्जी केम फ्रॉम। सो ऑल द स्टार फ्रॉम द एनर्जी वेयर द फायर केम फ्रॉम एंड ऑल अदर थिंग्स हाउ वी डिवेलप द एनर्जी। तो उसके बाद एनर्जी रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 1.0 से ऑल द वे दे विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी थिंग, हु डिड वॉट इन इनोवेशन, इन क्रिएशन, हाउ द एनर्जी और द मशीनरी केम अप। सो दिस ऑल एक्सप्लेन इन दिस कैप्सूल। With a lot of information about energy or new technology and the future power industry, so यहाँ पर हमारा trip जो है वो ख़त्म होता है energy capsule का। So इसके next जो journey start होती है वो है Sparks की। So Sparks एक place है जहाँ पर पेट्रो साइंस ने बहुत सी innovative चीज़ें रखी हुई हैं, वो kids के लिए, बड़ों के लिए, वो जो बहुत amazing है यहाँ पर। So it's like all about science. So how technology work, how science work, there's a lot of small thing, but there's a big logic and big science behind it. यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी, साइंस और सम ऑफ द चैलेंजिंग पजल्स की एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ मिलेंगी, जो कि बड़ों के लिए भी हैं और बच्चों के लिए भी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप एक पजल एक्टिविटीज़ जो कि चैलेंजेस हैं, आप उनको भी चैलेंज को छप करके उसको ट्राई कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटी है ये है द हाइस्ट पीक ऑफ अर्थक्वेक। आप फील कर सकते हैं कि आपको आप कैसे फील करते हैं व्हेन इज़ कमिंग टू द हायर लेवल।
पेट्रो साइंस में ये वाला एरिया ऑयल रिग या ऑयल प्लेटफॉर्म भी कहलाता है। उसकी सिमुलेशन टाइप यहाँ पर एक उन्होंने पूरा एक रिग बनाया हुआ है, जैसे एक एक्चुअल रिग जो कि समुंदर में होता है जिससे पेट्रोल या ऑयल निकाला जाता है, तो वो कैसे लगता है, उसमें बहुत चीज़ें कैसी होती हैं, जैसे बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, हाउ दे लुक लाइक एक्चुअली। सो उन्होंने यहाँ सिमुलेशन बनाई हुई है जिससे आप बहुत सी इंफॉर्मेशन और बहुत सी चीज़ें आपको सेम फील कर सकते हैं एज दे आर इन द एक्चुअल सी। यहाँ पर आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी बताया गया है कि पेट्रोनस अपनी ऑयल रिग में बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड दीगर एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड बहुत सी दूसरी चीज़ें जो कि फ्लाइट सिमुलेशन या ऑयल रिग पर होती हैं, तो ऑल एवरीथिंग इज़ क्लियरली डिस्प्लेड एक्सप्लेन्ड, और यहाँ पर आप बहुत चीज़ें भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सी स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, और आपसे वो क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। और इसके साथ साथ आप कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट टैप ऑन द स्क्रीन एंड इन्फॉर्मेशन इज़ राइट देयर। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको यहाँ पर हैवी मशीनरी, क्रेन्स और बहुत सी ऐसी चीज़ों का डिस्प्ले किया गया है जो कि वहाँ पर ऑयल रिग पे एक्चुअली यूज़ होती हैं, और द सेफ्टी एंड अदर थिंग्स दैट फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इमरजेंसी हाउ दे मैनूवर्स, व्हाट इक्विपमेंट आर यूज्ड एंड हाउ दे एक्सट्रैक्ट द पेट्रोल और द ऑयल फ्रॉम द वेल डीप डाउन इन द सी द ओशियन, सो दे आर ऑल एक्सप्लेन्ड वेरी वेल हियर। सो उसके बाद बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं, इसको स्पीड एक्टिविटीज़, और जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोनस इज़ अ पार्ट ऑफ फार्मूला वन, तो यहाँ पर बहुत सी सिमुलेशंस भी रखी गई हैं एज अ फार्मूला वन कार, सो आप वहाँ पर बैठ के आप ये चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, और जस्ट वेट फॉर योर टर्न, जस्ट स्टैंड इन द क्यू एंड हियर यू गो। सो उसके साथ साथ लुइस हैमिल्टन की वीडियोज़ भी हैं जो कि पेट्रोनस के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनके काम कर रहे हैं, पेट्रोनस की जो फार्मूला वन कार है वो उसके बारे में और डिस्प्ले किया गया है, उसके साथ उसका फार्मूला वन का इंजन और अदर इंफॉर्मेशन भी साथ साथ दी गई है। बहुत सी फन एक्टिविटीज़ के बाद यहाँ पर गिफ्ट शॉप्स और कैफ़े भी मौजूद हैं जहाँ पर सिट एंड रिलैक्स योरसेल्फ एंड गेट रेडी योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट एक्टिविटीज़। सो यहाँ पर नेक्स्ट बच्चों की एक्टिविटी है वो है कलरिंग। सो इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब वो कलर कर लेते हैं तो उसके बाद देयर इज़ अ स्कैनर, सो आप अब उनकी पेंटिंग को स्कैन करते हैं तो दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। पेट्रोनस साइंस में नेक्स्ट सेगमेंट है रोबोटिक्स का, इसमें मोर टूवर्ड्स रोबोटिक्स, ड्रोन्स एंड टेक्नोलॉजी, हाउ डू रोबोट वर्क, सो ये सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर बहुत से AIs और रोबोट्स को यहाँ पर रखा गया है और बहुत से पॉट्स को रखा गया है जिनका डिस्प्ले करते हैं। सो जैसे आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं इस रोबोट को तो ये वैसे ही एक्टिविटी करता है, और दे आर ऑल्सो शोइंग द हाउ पेट्रोनस इज using the technology or AI in their daily life and other activities. सो नेक्स्ट एरिया इज़ द डायनासोर्स एरिया। सो यहाँ पर बहुत से आर्टिफिशियल काइंड ऑफ डायनासोर्स के जिसमें रखे हुए हैं, और द मूविंग डायनासोर के स्कल्पचर्स हैं, और चीज़ें ऐसी हैं वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है कि जैसे डायनासोर्स के एरा में आप लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एरा के डायनासोर्स रखे हुए हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ डायनासोर्स हैं, उनकी जो स्पीशीज़ थी उसके बारे में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लिखी गई है, और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू रीच एंड जो उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है तो लुक सो अमेजिंग एंड नाइस।
सो ये मूविंग ये डायनासोर्स हैं, तो उनकी आवाज़ के साथ और जो डायनामिक ब्रिज जा रहा है, तो दैट वाज रियली अमेजिंग। So after a long walk on the different segments or the points, this is the last point in Petro Science. So it's been like different cranes or different चीज़ें रखी हुई हैं, और यहाँ से आप अपनी pictures जो ने different spot पर खींची हुई होती हैं, सो आप यहाँ से collect कर सकते हैं, और there are different prices of different pictures, and इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, एंड डू लीव योर कमेंट्स कि वीडियो आपको कैसी लगी। टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।